हमें कोई जबर और कोई बोझ ना लगे तेरे अहकाम पर अमल करने के। और इस मुख्तसर सी दुआ के साथ चंद अहम पॉइंटर्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना होगा। वो ये कि हमारे दीन में सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी चीज को दी जाती है किसी काम के आगाज में तो वो होता है नियत, नियत की पाकीज़गी। हो सकता है कोई कुरान पढ़ रहा हो लेकिन अगर उसकी नियत ये है कि मैं कुरान सिखा रही हूँ तो मुझे दुनिया में वाहवाही मिले, और अगर मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो इससे मेरा नाम हो, तो ये नियत जो है वो मुझे कुरान करीम से कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। नियत की पाकीज़गी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रजा के लिए कर रही हूँ, मैं कुरान करीम का कुर्ब और कुरान करीम को इसलिए समझना चाहती हूँ कि मैं इसके जरिए से तुझसे करीब हो जाऊं, तेरा कुर्ब जो है वो मुझे हासिल हो जाए। तो नियत की पाकीज़गी सबसे पहली चीज है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। हमें ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से मनकूल है ना, इन्नमल आमाल बिन्नियात, ये आमाल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है। तो अल्लाह ताला हमारी नियतों को दुरुस्त करे, हम इस नियत के साथ कुरान करीम के पास आए कि अल्लाह ताला हम कुरान को नहीं बदलेंगे बल्कि हम कुरान के जरिए से अपने आप को बदलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा दिल क्या बोलता है और हम उसको उसके लिए जो है रीजन तलाश करेंगे या उसके लिए जो है दलीलें कुरान करीम से ढूंढेंगे, बल्कि हम कुरान करीम के जरिए अपने आप को बदलने का अज़्म लेकर अल्लाह ताला की किताब को पढ़ने और समझने का जो है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। कुरान करीम ने जो है हम पर ये भी एक जिम्मेदारी आयद की है। देखिए जिसे कहा जाएगा कि हम बहुत सारी गलत फहमियां जहाँ हमारे जहनों में मौजूद है वहाँ ये भी एक है कि बस कुरान को ये कह देना कि मैं कुरान पर ईमान लाई और खत्म कुरान कर देना तिलावत करके, ऐसा करने से जो है इसका इसकी जो है इसकी जिम्मेदारी हमसे आयत हमें पूरी हो जाती है, इसका हक जो है वो अदा हो जाता है। ऐसा नहीं है। कुरान करीम के जो हम पे हुकूक आयद होते हैं उसके जरिए से हमें कुरान करीम पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना दिन और रात की सातों में, उसे पढ़ना, उसे समझना, उस पर अमल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, ये पांच हुकूक है जो कुरान करीम ने हम पर आयद किए हैं। और इन पांचों हुकूक को जो है हमें पूरा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें इस बात की तौफीक, हमें इस बात की इनायत बख्शे कि हम इन हुकूक को पूरा करने वाले बने इंशाल्लाह। और देखिए कुरान करीम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना हमारे लिए के लिए निकलते हैं अपने घरों से तो क्या होता है, फरिश्ते पूरे रास्तों में अपना पर बिछाए जो है इस्तकबाल करते हैं, ये अपने पर बिछा देते हैं कि ये जो है अल्लाह के इल्म को दीन को सीखने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें उन खुशनसीबों में शामिल कर जिन्हें ऐसे पाक कंपनी जो है वो नसीब हुई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस जैसे कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो रहमत और वो बरकतें जो है वो हमारी जिंदगियों में शामिल हो जाए इंशाल्लाह। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ इंशाल्लाह अब हम इसका आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है। रोजे जजा का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। तो ये है कुरान करीम की पहली सूरत जिसका नाम ही सूरत फातिहा है। फातिहा का मतलब होता है ओपनिंग, खोलना, किसी चीज का आगाज करना। तो इसका नाम जो है सिर्फ इसकी अलामत ही नहीं बल्कि इसके टाइटल के तौर पर भी है कि इसी के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का जो है आगाज फरमाया। मुसहफ में जो है इस सूरत को
सबसे पहले जो है वो रखा गया। देखिए कुरान करीम की जो तरतीब है, कुरान करीम की जो आयात है, ये किसकी बताई हुई है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तक, इस जरिए से हम तक पहुंची है। इसकी जो तरतीब है, इसकी जो आयात की तादाद है, ये सब कुछ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए वसीले वास्ते से हम तक जो है वो पहुंचा है। इसमें से कोई भी चीज दूसरों की भी नहीं है, और ये बहुत ही कुरान से जिसे आप कहेंगे नाबलद होने वाली बात होगी अगर कोई कहे कि कुरान करीम में इतनी आयतें हैं। कुरान करीम की आयात की तादाद जो है वो फिक्स है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरतीब देके गए हैं वही तरतीब है और उतनी ही तादाद है। अब कुछ लोग इस बात का क्लेम करते हैं कि भाई एक जमाने में कुरान में 40 पारे थे और अब 30 है या 35 पारे, तो कुरान करीम में पारों की तादाद जो है वो बदल सकती है क्योंकि पारे बाद में बनाए गए, पारों की तकसीम जो है वो बाद में हुई। अब वो इसलिए की गई कि अगर कोई एक महीने में कुरान खत्म करना चाहता है तो उसको 30 दिन में जो है बांट दिया गया। तो कुरान करीम का 30 हिस्सों में बांटना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था। ये जो रुकुओं की तादाद है ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नहीं है, बाद में हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे उलमा ने जो है ये हमारी सहूलत के लिए किया। रुकू का क्या मतलब है कि मैं एक रकत में कितना बासानी कुरान तिलावत कर सकती हूँ, तो उसकी तादाद फिक्स कर दी गई। जहां तक कुरान करीम की सूरतों का ताल्लुक है, सूरतों में कुरान करीम की आयात की तरतीब का ताल्लुक है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दिया गया। ये खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कातिबों को लिखवाया है, अपने हुफाज को इस तरह से हिफ्ज करवाया है, और ये बिल्कुल तवातुर के साथ जो है हम तक पहुंची है। इसमें सबसे पहली सूरत फातिहा जो है इसका असलूब, इसका स्टाइल क्या है, ये एक दुआ की शक्ल में हमें दी गई है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं फरमाया कहो, बल्कि एक दुआ की तरह इसे हमारे सामने रख दिया गया है। गोया ये हमारे दिल की आवाज है, यानी ऐसे ही हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना चाहिए। यही वो चीजें हैं जिनको हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार मांगना चाहिए, यही वो चीजें हैं जिसकी चाहत हमारे दिल में होनी चाहिए। तो ये एक इतनी सी, हालांकि इतनी 7 आयात हैं इसमें, लेकिन इसकी तफसीर में जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स लिख डाले। इमेजिन 7 आयात की जो तफसीर है इसमें 2 वॉल्यूम्स लिखे जा रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसके अंदर कितनी मानवीयत है, कितनी गहराई है। हमारे लिए इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है कि सूरतुल फातिहा कुरान करीम की वो सूरा है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नमाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज करार दिया। आपको सल्लम ने फरमाया जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी तो नमाज ही नहीं हुई। सूरतुल फातिहा इतना इम्पोर्टेंट जो है वो लाजमी हिस्सा है। अब बताइए दिन में कम अज कम 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं और कम अज कम 12 फर्ज रकअतें पढ़ते हैं, और इतनी बार हमें जो है सूरह फातिहा को एक दिन में दोहराना है, तो आखिर ऐसी क्या है इसमें बात? ये वही बात है जो हमारे दिल की चाहत जो होनी चाहिए, जो मेरे दिल में बसा होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मेरे रिश्ते की जो नौयत होनी चाहिए वो इस सूरत में बयान की गई है। यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तो ऐसे बेशुमार नाम हो, लेकिन उसने कोई और नाम क्यों नहीं सिलेक्ट किया, उसने यही तीनों नाम क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार इस बात को हमारे अंदर बिठा देना चाहता है कि तुम्हारा रब कैसा है, रहमान है, रहीम है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बहुत ज्यादा बख्शने वाला। तुम उससे मांगो तो सही, दुनिया में तो लोग ऐसे हैं कि आप एक से दूसरी बार या तीसरी बार मांगे तो वो आपको देख के मुंह फेर लेंगे, आपको आपसे जो है चाहेंगे कि एहतराज, यानी आपसे मुंह मोड़ के चले जाएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हम उससे ना मांगे तो वो नाराज हो जाए, क्योंकि चाहता है कि हम उसे बार बार मांगे। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि हम उसे
उसे पुकारे, उसके सामने दुआएं मांगे, और अगर कोई उससे दुआएं नहीं मांगता तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आती। तो वह ऐसा रहमान और ऐसा रहीम है, उसने दुनिया की बेशुमार नेमतें हमें बिना मांगे दे दी। क्या आपने कभी अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे आंखें दीजिए? कितनी बड़ी नेमत है आंखें। हमने कभी अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ नहीं करी थी ना इसके लिए, वो तो हमें अल्लाह ने यूं ही दे दी। ऐसी अगर हम गिनने बैठे तो कितनी सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जिसका के हम बिला सोचे समझे और एक हक के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें कभी एहसास भी नहीं होता कि ये रब्बे करीम की रहमानियत है कि उसने जो हमें ये सब कुछ अता किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि हम हमेशा अल्लाह ताला को कैसे याद रखें, रब्बे रहमान रब्बे रहीम के तौर पर, कि जिसके अंदर रहीमियत जिसके अंदर रहमानियत। अब रहमानियत और रहीमियत में एक हल्का सा फर्क है। रहमानियत कहते हैं जिस पर अल्लाह ताला का रहम जो है वो जोश मारते हुए, एक समंदर ठाटे मारते हुए समंदर की तरह, जिसके अंदर बहुत फोर्स है, जिसके अंदर बहुत इंटेंसिटी है। लेकिन देखिए अक्सर जिसमें जोश होता है वो फिर ढप से गिर भी जाता है, जितनी तेजी से कोई चीज ऊपर जाती है उतनी तेजी से वो वापस भी आ जाती है। इसीलिए रहीम है, उसके अंदर दवाम है, उसके अंदर इस्तेक़लाल है। ऐसा नहीं कि आज उसकी रहमानियत जोश में आई, उसने हमें पैदा कर दिया, दुनिया में भेज दिया और फिर हम बोल रहे करो जो तुम करो, नहीं, वो रहीम भी है। उसका ये रहम हमेशा कयामत तक जो है वो रहेगा, और इसी वजह से आज हम जो है दुनिया में। फिर हमें ये बात बताई कि रब्बुल आलमीन जो है उससे हमारा रिश्ता किस नौयत का है। उसका सबसे पहला लफ्ज है अलहम्द। हम किसे कहते हैं? शुक्र। तो ये सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्र का, उसकी नेमतों का एहसास है जो हमारे अंदर होना चाहिए, और उसी के साथ जो है कुरान करीम का आगाज हुआ है। हमारे रिलेशनशिप की बुनियाद अल्लाह ताला के साथ किस पर है? शुक्र पर है। देखिए जो शिर्क होता है ना, उसकी बुनियाद क्या होती है बताएं आपको? उसकी बुनियाद होती है खौफ के, अरे अगर मैंने इस पहाड़ की पूजा नहीं की तो ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाएगा, अगर मैंने इस आग को नहीं खुश किया तो ये आग मुझे भस्म कर देगी, अगर मैंने पानी के देवता को खुश नहीं किया तो पानी के देवता मुझे डुबा देंगे। ये क्या है? खौफ है चीजों का, जो इंसान को दूसरों के अकार जो है शरीक ठहरवाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। लेकिन तौहीद जो है उसका आगाज क्या है? उसका आगाज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का की सही मारिफत, ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतनी सारी चीजों के साथ मुझे दुनिया में भेजा, तो यूं ही नहीं भेज दिया कि बस जाओ खाओ पियो और मर कर आ जाना, बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, उसने इतने सामान के साथ भेजा है तो मेरा हिसाब भी लेगा। उसने बिला मकसद ये सब कुछ नहीं पैदा कर दिया, और बिला मकसद उसने ये सब कुछ यहाँ नहीं भेज दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जो है मैं इसका, हम जो कुरान करीम का जो आगाज करते हैं, नमाज का जो आगाज करते हैं, उसमें इस बात को अपने आप में जो है इसकी याद दहानी है, सारी की सारी हम्द, सारी की सारी तारीफ, सारा का सारा शुक्र जो है वो किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर हमारे पास कोई अच्छाई है, कोई खूबी है, तो वो किसकी वजह से? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसमें हमारी कोई बड़ाई, उसमें हमारी कोई किबरियाई नऊज़ बिल्लाह नहीं। जो कुछ भी अच्छाई दुनिया में है वो सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजा, उसमें जो है हम सिर्फ एक अल्लाह ताला बाज़ औक़ात जो हमें एक वसीला बना देता है उन्हें अच्छाई करने का। फिर उसके बाद जो सबसे अहम बात हमें बताई गई है, वो जो हमें मांगना है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लेकिन उससे पहले फरमाया इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मेरी और आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो ताल्लुक है वो किस चीज पर मुबनी है? अब्द होने पर। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है? कि हम अल्लाह के अब्द बन के रहें, हम उसके गुलाम बन के रहें, उसके स्लेव बन के रहें। स्लेव की अपनी कोई मर्जी होती है? गुलामी के बारे में आप सब जानते हैं ना, गुलामी उस तरह का काम नहीं होता जैसे आज हम ड्यूटी पे जाते हैं, हम सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करें।
लेकिन गुलामी में ऐसा नहीं होता ना, गुलाम तो फिर पूरा के पूरा गुलाम, मालिक जो बोलेगा उसे करना है। ये बंदा होना हमारी मेहराज, हमारी हमारी ऊंचाई इसमें है कि हम कितना अल्लाह के बंदे बनते। हम जितना ज्यादा अल्लाह के आगे झुकेंगे, जितना ज्यादा अल्लाह के आगे सरनिगू होंगे, जितना ज्यादा हम अपने 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 दिल अपने जहन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपने आप को बिछाते हैं, उतना ही ज्यादा जो है हम अपने कमाल को पहुंचते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको ये नेमत अता करे कि हम वाकईतन उसके अब्द बन जाएं, हमारा शुमार उसके अब्द होने में, कि हम उसके गुलाम हैं और अल्लाह ताला ने हमें अपने अब्द होने में जो है कबूल कर लिया है। और वो जो चीज जो सबसे अहम है जिसका हम मुतालबा करते हैं, वो है कि हमें सीधे रास्ता दिखाओ, सिरात मुस्तकीम। और फिर उसकी तफसील क्या बताए, वो ऐसा रास्ता है जो किन लोगों को नसीब हुआ, जिन पर तेरा इनाम हुआ, और वो इनाम वाले कौन है, शोहदा सालिहीन सिद्दीकीन और नबीईन, है ना। ये तफसील भी थी कुरान करीम में। अब हम और आप नबी बनने से तो रहे, अल्लाह सिद्दीक भी बहुत बड़ा दर्जा होता है। सिद्दीक सिर्फ ये नहीं होता जो सच बोलता है और कभी झूठ नहीं बोलता, सिद्दीक वो होता है जिसकी जबान, जिसका दिल बिल्कुल हम आहंग होते हैं एक दूसरे से। हम तो बाज़ोकात अपनी जुबान से वो कुछ कह रहे होते हैं जिसका वो असर हमारे दिल में नहीं होता, जिस तरह से हम इसे कह रहे होते हैं। हर जो कुछ भी हम कहें अपनी अपनी सीरत और किरदार से, जो भी हम गवाही दें उसमें बिल्कुल हम खरे और सच्चे हों। तो एब्सेंस ऑफ झूठ किसी को सादिक नहीं बना देता, समझ रहे हैं, सिद्दीक नहीं बना देता। एब्सेंस ऑफ झूठ तो बहुत ही लोवेस्ट लेवल है, उससे बहुत ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट है जो सिद्दीक बनने में शामिल। अब क्या बच गया, शोहदा और सालिहीन। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें और आपको जो है शोहदा और सालिहीन में जो है शामिल होने की तौफीक अता करें, ताकि हम भी जो है इन इनाम हासिल करने वालों में शामिल हो सकें। फिर उसकी और मजीद तफसील की कि अल्लाह ताला हमें लोगों में नहीं शामिल करना जो गुमराह हो गए और जो तेरे गजब का शिकार। गुमराह कैसे होता है, इंसान भटक जाता है, मुझे जाना यहाँ था फिर मैं इस रास्ते चली गई, तो हो सकता है मेरी लाइलमी की वजह से, मुझे लगा कि मैं ये रास्ता इख्तियार करूंगी, मैं राइट से जाऊंगी तो अपनी मंजिल पहुंचूंगी, लेकिन मेरी मंजिल तो स्ट्रेट जाने में थी, तो ये मेरी लाइलमी थी, तो अल्लाह ताला मुझे गुमराही से बचा कि मैं लाइलमी की वजह से ना भटक जाऊं, मैं गलत रास्ते ना इख्तियार करूं। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास नसारा है, क्रिश्चियंस है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नबी उनकी तरफ भेजा गया था जो अल्लाह का रसूल, से क्या बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। उनको लगा अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता ये है कि हम इनको अल्लाह का बेटा बना दें, और वो क्या हो गए, गुमराह हो गए, राइट। उन्होंने कोई दुश्मनी में तो ये नहीं किया था ना, वो तो अल्लाह की बहुत मोहब्बत चाहते थे, वो तो अपने रसूल से भी बेइंतहा इश्क करते थे, लेकिन उसने उन्हें गुमराह किया। दूसरा दौलीन, दौलीन कौन, मखजूब अलैहि, मखजूब कौन, जिन पर अल्लाह का गजब ना, अल्लाह का गजब किस पे नाजिल होता है, तो जानते बूझते चीजों से जो है क्या करता है, उसे मालूम है कि ये नहीं करना है, फिर भी वो जानते बूझते ना फरमाए, जानते बूझते अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ की जो है ना एहसान शनासी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानते हुए जो है वो नमक हरामी करता है, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल है। तो हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें उन लोगों में नहीं शामिल करवाइएगा, तो जानते बूझते जो है तेरे फरमान थे, जो तेरे अहकामात थे, उनसे जो है वो मुंह मोड़ दो, अल्लाह ताला हमें उन्हें भी ना शामिल, और वाले दौल जो भटक गए, जो गुमराह हो गए। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, अलिफ लाम मीम अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब उन पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें उनसे पहले नाजिल की गई
की जो लॉन्गेस्ट सूराज होती है उनमें से एक है ना। और आपने इससे पहले जब सूरत बकरा को पढ़ा है उसको समझा है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कवानीन जो है उनका जिक्र किया गया है ना, बहुत सारी रूलिंग्स जो है वो दी गई है और बहुत अलग अलग ग्रुप्स ऑफ लोगों का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र किया है। अल्लाह ताला यहाँ पर मुनाफिकीन को भी खिताब कर रहा है, यहूदियों को भी खिताब कर रहा है, नसारा को भी खिताब कर रहा है और मुसलमानों से भी। लेकिन इसका एक अहम इम्पोर्टेंट थीम जो आज हम अव्वल जुज में कर रहे हैं वो ये है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद को खास तौर पर जो खिताब किया है। और यहूद को क्यों खिताब किया है, क्योंकि हम आज जिस मनसब पर हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सूरह में बता रहे हैं कि भाई तुम्हें तो हमने एक खास काम के लिए दुनिया में भेजा है और तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर हम भेज रहे हैं। वैसे नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ग्रुप को किसी गिरोह को इस जिम्मेदारी के साथ भेजा गया। हमारे पास तो हमसे पहले देखने वाले भी हैं कि उनके पास भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल को भेजा और एक को नहीं रसूलों की लाइन लगा दी अल्लाह ताला। उनके पास अपनी किताबें भेजी लेकिन उन्होंने जो है अल्लाह की भेजी हिदायत के साथ क्या किया, अल्लाह की भेजी हुई जो है रहनुमाई थी उसके साथ वो कैसे पेश आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो उसे बयान किया और क्यों बयान किया, मेरे और आपको इससे क्या फायदा है कि हम वो मिस्टेक्स ना, हम उस गुमराही में और उस जिसे आप कहेंगे गढ़े में जाकर ना गिरे। तो हम जब यहूदियों का जिक्र पढ़े तो ये नहीं सोचे कि अरे ये हमारे बारे में नहीं आई तो उनके बारे में वो लोग ऐसे करते हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने उनकी बात और उनकी एग्जाम्पल के जरिए से हमें इसलिए समझाया है कि हमें पता चले कि ह्यूमन नेचर जो होता है, इंसान का नेचर, वो तो इंसान ही है राइट। वो 2000 साल पहले भी इंसान था, आज भी इंसान है। वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है कि जब अल्लाह के रसूल उसके पास आते हैं और वो अल्लाह के रसूल की लाई हुई जो अहकामात है जब वो उनके साथ एक पर्टिकुलर रविश अपनाता है तो फिर वो मग़ज़ूब अलैहिम में जो है वो शामिल हो जाता है। तो हमें इससे ये इबरत और ये दर्स हासिल करना अल्लाह ताला कि हम यहूद की रविश को ना अपनाएं। यहूद ने जो अपने रसूलों के साथ किया, अल्लाह की भेजी हुई किताब के साथ रविश अपनाई, अल्लाह ताला हम वैसे ना बने। अल्लाह ताला हमारे अंदर जो है वो जिद और वो हठधर्मी ना पैदा हो। अब सूरतुल बकरा जो है इसका बकरा का मानी होता है गाय को बोलते हैं ना। अब जाहिर सी बात है गाय के बारे में सूरा में नहीं गाय की कोई मजमून है गाय और उसका टाइटल है, बल्कि गाय का वाकया जो है इस सूरत में वारिद हुआ है उसकी मुनासिबत से एक निशानी के तौर पर, एक अलामत के तौर पर इसका नाम सूरत की बकरा जो है वो रख दिया है। सूरत की बकरा के आगाज में जो अलिफ लाम मीम आप में से बेशतर बहनों को याद होगी, ये दरअसल वो जो ईमानियात है हमारे, देखिये हमारे तीन ईमानियात है जिसे हम ईमान सलासा कहते हैं जो कि हमारे कुरान की बुनियादी दावत है। तो क्या ईमान सलासा, ईमान बिल्ला, ईमान बिल रसालत और ईमान बिल आखिरा, यही है वो ईमानियात जिसकी असास पर जो है फिर ये पूरी सारा स्ट्रक्चर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खड़ा किया है। तो सूरत अल बकरा में ही नहीं बल्कि बेशतर सूरतों में आप या तो ईमान बिल तौहीद का जिक्र पढ़ेंगे ईमान बिल्ला का, या ईमान बिल रसालत, या ईमान बिल आखिरा, या फिर तीनों को मिलाकर, या फिर दो को या एक को, पर बहरहाल बहस इन तीनों ईमानियात से ही जो है वो की गई है। अब सूरत बकरा में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शुरू ही में फरमा दिया कि इस किताब से कौन गाइडेंस हासिल कर सकता है, जो तकवा वाले हैं। अब कोई सवाल करेगा कि भाई तकवा वाला बनने के लिए तो मैं किताब की तरफ आई हूँ, आप बोल रहे तकवे वाला ही से हिदायत हासिल कर सकता है, तो अगर मैं ऑलरेडी तकवे वाली हूँ तो मुझे इस किताब की क्या जरूरत है राइट। देखिए तकवा जो होता है उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक वो तकवा है जो हमारी जहनियत की अक्कासी करता है कि हम कैसे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई जिंदगी हमें तो एक ही मरतबा मिली है, बेशुमार इंसान दुनिया में आए मर थक के चले गए, हम भी ऐसे चले जाएंगे। तो जितने दिन जिंदगी मिली है उसको एंजॉय करते हैं,
उसको उसको जो है जितना हम प्लेजर और एंजॉयमेंट हासिल कर लें वो कर लेते हैं। ये मजहब पसंद लोग और ये मजहब बस यही सिखाता है ऐसा नहीं करो ऐसा करो, ये सब हमारे ऊपर बंदिशें और पाबंदियां जो है वो लगाता है। तो अगर किसी का नुक्ता नजर ये है, अगर कोई दुनिया को ऐसे देख रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है कि तुमको इस किताब से कोई रहनुमाई मिले। तुम्हें तो पहले इस रविश को अपनाना होगा। वो तकवे वाली रविश क्या, कि भाई मैं इस दुनिया में भेजा गया हूँ तो एक मकसद के साथ भेजा गया हूँ और मेरी जवाबदेही होगी, मुझे जवाब देना होगा कि मैंने यहाँ जिंदगी कैसे गुजारी। तो अगर मेरा ये ओरिएंटेशन है, अगर मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुझे जवाब देना होगा, तब कहीं जाकर इस नजरिए के साथ अगर मैं रखती हूँ तो ही ये किताब जो है मुझे फायदा दे। वरना अगर मैंने ये सोच रखा है कि ठीक है ना बस अब आगे दुनिया में तो जो चाहे करे और फिर उसके बाद तो सभी को मरना है, कौन आया दोबारा बोलने के लिए कि हाँ वाकई ऐसा होता है और कब्र में ऐसा होता है और फिर यू नो वगैरह वगैरह। तो गर्ज ये कि ये जो ईमान है कि मेरी पूछ होगी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसी तरह से वायर करके भेजा है, ये हमारी फितरत में जो है वो डाल दिया गया है। तो दुनिया में कभी कोई ग्रुप ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अल्लाह का इनकार किया। मुश्रिकीन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहरा देते हैं। वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो है लेकिन सिफारिशी भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है लेकिन हमारी नस्ल बरतर नस्ल है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर अंबिया भेजे गए तो अल्लाह ताला हमारे साथ जो ऐसा मामला। तो अगर वो क्या करते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को तो हर कोई मानता है लेकिन फिर वो अल्लाह को ऐसे मानते हैं कि वो मानना और ना मानना एक ही, अल्लाह के नजदीक वही मानना मोतबर है जो अल्लाह को उस तरह से माना जाए जैसा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। यही वजह है कि हमारा कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फरमाया सबसे पहली बात कि तकवा की अगर रविश है तुम्हारे अंदर तो ही तुम इस किताब से हिदायत हासिल कर पाओ। और फिर तकवे का भी लेवल है ना, और हम उस तकवे को इंशाल्लाह ताला पहुंच पाएंगे जैसा तकवा इस किताब के पढ़ने वालों में होना चाहिए। उसमें भी सबसे पहले जो मुकद्दम बात रखी आमाल के लिए वो है नमाज, है ना, अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात। तो ये नमाज और सलात ये क्या है, आमाल में ये दो असासी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर हमारा पूरे आमाल की जो है वो इमारत खड़ी हुई है। अकीमुस्सलात क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारा जैसे हुकूकुल्लाह हम कहेंगे उसकी फुलफिलमेंट है नमाज को कायम करना। और इताए ज़कात क्या है, जो हुकूकुल इबाद है जो अल्ललाह के बंदों के साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए तो उसमें हमारी रविश क्या होनी चाहिए, उसके इबारत जो है वो ज़कात है। तो नमाज हम चाहे जबान से कितना ही कहें कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अगर हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नहीं खड़े हो रहे, फर्ज नमाजें हमारी कजा हो रही है, तो हमारा दावा किसी वैल्यू का नहीं है अल्लाह के रसूल। हमारे ईमान की सबसे पहला इम्तिहान क्या है, हमारी नमाज, हमारे नमाजों की हिफाजत। ये नहीं कि जब हमारे पास वक्त होगा तब पढ़ेंगे, नमाज हमारे दीन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईमान वाले में और एक कुफ्र करने वाले में कौन सी चीज है, नमाज। जिसने नमाज को छोड़ दिया वो फिर क्या ऐसे जबान से ही जो है वो जबान का मुसलमान, और अल्लाह ताला हमें ऐसा मुसलमान बनने से बचाए। यहाँ पर एक और बात जिस पर ध्यान देना है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो यकीन रखते हैं आखिरत का, ईमान और यकीन। तो ईमान और यकीन क्या दो अलग अलग चीजें हैं, कैसे, ईमान जो है हो सकता है मैं मानती हूँ अल्लाह ताला को, है ना, ईमान वो होना ही होना है, और यकीन क्या होता है उसकी सर्टिनिटी। अगर सिग्नल जो है रेड हो गया है लेकिन मुझे बहुत जल्दी पहुंचाना है और कोई पुलिस नहीं खड़ा है तो जनरली लोग क्या करते हैं,
क्रॉस कर देते, लेकिन अगर पुलिस खड़ा हो आपको कितनी भी जल्दी हो, आप तोड़ेंगे वो सिग्नल? क्यों नहीं तोड़ेंगे? आपको मालूम है फाइन देना पड़ेगा, आपको मालूम है पुलिस जो है वो पकड़ेगा। ये क्या है? ये सर्टेनिटी है, ये यकीन है। तो आखिरत के ताल्लुक से यकीन होना चाहिए कि अगर मैंने जो कुछ भी इस दुनिया में किया उसका मुझे जवाब देना। ये क्या होता है ना, बचपन से हम ये सब कुछ सुनते आते हैं ना, ईमान और आखिरत, तो ये एक तरह की बहुत ही रेगुलर सी बात बन जाती है आखिरत। अगर हम इसको वाकईतन सोचें कि हम कितने सीरियस हैं अपनी आखिरत की तैयारी के लिए, क्या हमें वाकई को यकीन है कि जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी की प्लानिंग करती हूँ कि अभी मुझे ये पढ़ना है, फिर मुझे ये इख्तियार करना है, फिर मुझे ये प्रोफेशन, फिर मेरे बच्चों के लिए मैं ये, हम सब सोचते हैं ना, घर में एक छोटा सी फंक्शन होता है उसकी भी तैयारी होती है ना। तो आखिरत की तैयारी है या नहीं, वो कैसे होगा? जब वाकईतन हम आखिरत को एक रियालिटी समझेंगे। वरना ये कि हम बचपन से सुन रहे हैं और आखिरत है, उसका जो एक असर हमारे दिलों में, हमारे अखलाक में, हमारी जिंदगी में होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। इसलिए क्योंकि कोई पहरेदार नहीं खड़ा होता। तो जैसे ही मौका मिला हमें रेड बल्ब की जो है वो क्रॉस करनी, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस यकीन की जो है क्या करना है, दुआ मांगना है कि अल्लाह ताला ये आखिरत हमारे नजदीक, इसका यकीन हमारे दिलों में बैठ जाए, जागजी हो जाए, कि मुझे, मैं जो भी लफ्ज बोलूं और जो भी अमल करूं उससे पहले मैं क्या सोचूं कि इसका क्या अंजाम होगा आखिरत में, है ना। अल्लाह ताला मुझे इतना कॉन्शियस बना दे कि मैं अल्लाह ताला को हमेशा याद रखूं और अल्लाह ताला को हमेशा याद करूं, राइट? तो यही जो है, इससे हमारा ताल्लुक जो है इसी से इबारत है। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, और तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं है। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहिक है। यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे गिरोह का जिक्र किया है जिसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। तो मोहर क्या होती है? कि मोहर वो होती है कि इंसान अच्छी अच्छी बातें सुनता है, कुरान की भी बातें सुनता है, लेकिन उसके दिल पे कोई असर ही नहीं होता। उसका दिल जैसे उसकी असर पजीरी से खाली हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? कि अल्लाह ताला पहले से डिसाइड कर लेते हैं इतने लोगों को जन्नत में डालूंगा, इतने जहन्नम में फेंकूंगा, नहीं होता। ये कैसे होता है? ये हमारी चॉइसेस से होता है। हम क्या इख्तियार करते हैं इस दुनिया में? हम अच्छाई को इख्तियार करते हैं, हम बुराई को इख्तियार करते हैं, हम किस चीज को पसंद करते हैं। अब हम जिस चीज को पसंद करेंगे अल्लाह ताला हमारे लिए वो रास्ता आसान करेंगे। अगर हम बुरे बनना चाहेंगे तो अल्लाह ताला बुराई का रास्ता हमारे लिए आसान करेंगे। अगर हम अच्छाई को पसंद करेंगे अल्लाह ताला अच्छा बनना हमारे लिए जो है वो आसान कर देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिल जो है, जब भी इंसान कोई गुनाह का काम करता है, एक झूठ बोलता है, तो उसके दिल पे क्या कर दिया जाता है? एक धब्बा लगा दिया, एक काला धब्बा पड़ जाता है। अब वो धब्बा पड़ता है, अगर वो अल्लाह से तौबा कर लेता है तो क्या होता है? वो धब्बा मिट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह पे पर मुसर रहे, करता रहे के बाद दूसरा जितनी बार गुनाह करता है, वो धब्बा काला 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 हो के उसके पूरे दिल को जो है क्या कर देता है? काला कर देता है, सियाह कर देता है। और फिर जिस दिल में स्याही जम जाती है, फिर उसमें अल्लाह का नूर जो है वो दाखिल नहीं होता, है ना। अल्लाह का नूर, वो हिदायत, वो नूर हिदायत जो है वो उसके दिल पर असर ही नहीं करती। तो गुनाहों के असर से क्या होता है? गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे लिए नेकी पर चलना और मुश्किल हो जाता है, हम और दूर हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, और नेक रास्ते पर आना हमारी और मुश्किल हो जाता है। और जो कोई जो है जानते बूझते इसरार करता रहे, अगर हम तौबा कर लेते हैं तो रास्ते तौबा के हमेशा खुलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खूबसूरत पैराओं में हमें बताया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौबा करने वाले इस कदर पसंद है कि
कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता जब बंदा अल्लाह की जानिब लौट कर आता है, पलट कर आता है, अल्लाह ताला को तौबा करने वाले, बार बार उसकी तरफ पलटने वाले बेइंतहा जो है अजीज है। देखिए हम इंसान है राइट, हमें अल्लाह ताला ने बशर बना के भेजा है, तो हमसे ये मुतालबा नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाए, परफेक्शन हमारे अंदर नहीं हो। हमसे क्या मुतालबा है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्या करें, उस पर इसरार ना करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ पलट कर आए। तो हमारा दीन ये हमसे मुतालबा करता ही नहीं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट फरिश्तों की तरह हो जाओ, कि तुमसे कभी कोई लफ्जिश हो ही नहीं, तुमसे जो है कोई गुनाह होगा नहीं, हम इंसान है वो तो होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या चाहता है कि हम बार बार अल्लाह की जानिब जो है वो पलटें, उसकी तरफ लौटें। मायूसी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेइंतहा नागवार, मायूसी कुफ्र है ना, ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला से हम कभी मायूस जो है वो नहीं हो सकते, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की शान गफारियत से। बाद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएंगे, हालांकि दरहकी पर वो मोमिन नहीं है, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रही है और उन्हें इस पर शऊर नहीं है। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर फसाद कर पाना, तो उन्होंने कहा कि हम तो वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुस्लिम हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए? खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ है, मगर ये नहीं जानते। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले तो उन लोगों का जिक्र फरमाया जो इस किताब से जो है हिदायत हासिल कर सकते हैं, जो मुस्लिमून में जिनका शुमार होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गिरोह के बारे में फरमाया जिसके दिल पे मोहर लगा दी गई। अब उसके बाद एक दूसरे गिरोह का जो है वो जिक्र हो रहा है, जो खुल्लम खुल्ला तो अपने कुफ्र का इजहार नहीं करता था, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, और ना ही ऐसे लोग जो अपने कुफ्र को बिल्कुल खोल कर बोलते, लेकिन वो मुखलिस भी नहीं था। उसे लगता था कि सामने तो बड़े ही हमारे ग्रुप वाले बनते हैं, या ये जताने की कोशिश करते कि वो मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन जहां कहीं उन्हें मौका मिलता तो क्या करते, इस्लाम की, मुसलमानों की और इस दीन की जो है वो बुराई के दर पे रहते, और उन्हें ऐसा लगता कि ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, दरअसल वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो लोगों को नहीं धोखा दे रहे हैं, ना ही अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, बल्कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि एक मर्ज है, दिल को जो है रोग लग जाया करता है, और दिल को अगर रोग लग जाए तो फिर इंसान की जो है सारी चीजें जो है वो खराब होने लगती है। हमें ये हमारे जो उलूमुल इस्लाम है उसमें ये बताया गया है कि दिल जो होता है वो बादशाह की तरह होता है, हमारा जो इरादा है वो भी कहाँ से निकलता है, दिल से निकलता है, और जब हम किसी बात का इरादा कर लेते हैं तो फिर उस पर कायम हो जाते हैं राइट, फिर हमको कोई जो है वो उसे हटा नहीं सकता। हमने इरादा कर लिया कि हम रोजे से हैं, चाहे कितनी गर्मी हो, आपने किचन में कितना ही काम किया, आप शॉपिंग में भी हो सकता है आपको जाना पड़े, लेकिन क्या आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पिएगी नहीं, क्यों, क्योंकि आपने मुसम्मम इरादा किया, और वो इरादा कहाँ से निकला है, आपके दिल से निकला है राइट। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि दिल एक ऐसी चीज है कि उसको बीमारियां लग जाती हैं, उसको रोग लग जाता है, और अगर उसको रोग लग गया तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे दूसरी जितनी चीजें हैं, तुम्हारे आजा हैं, तुम्हारे हाथ पैर आंखें कान हैं, तुम्हारी जबान है, उनको फिर वो अल्लाह की ताबे नहीं आने देगा। तो हमें अपने दिल की बहुत ज्यादा जो है हिफाजत करनी, अपने दिल को हमेशा कंट्रोलना, और दिल तो किसी को नहीं दिखाई दे सकता ना, वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ और अल्लाह ताला जानते हैं। अब मैं ऊपर से बड़ी अच्छी बन सकती हूँ, चमकदार, अच्छी दिखती हुई,
बहुत ही ज्यादा मजहबी, बहुत ज्यादा दीनदार, लेकिन मेरे अंदर क्या है वो तो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन जान रहे हैं ना। और अल्लाह ताला चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह किसको देखता है, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। तो अल्लाह ताला हमें अपने दिल के साथ मुखलिस होकर अल्लाह का बंदा बनने वाला। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और उन लोगों से मेहनत मजाक कर रहे हैं। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, वो उनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा उनके लिए नफा बख्श नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर बसावट तल्ब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीखियों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर उनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोसे लेते हैं और अल्लाह इनके करीम हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समाज और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर लेता, यकीनन वो हर चीज पर काबिर है। अब अल्लाह ताला ने तमसील के पैराए में कुछ बातें हमें समझाने की कोशिश की है, चंद गिरोहों का हवाला दिया, उनका एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले फरमाया कि इंसान जो है एक ऐसे काफिले का जिक्र किया कि उन्हें उन्हें वो अंधेरी रात थी, वो जा रहे थे, उन्हें किस चीज की जरूरत थी अंधेरी रात में, रोशनी की जरूरत थी। लेकिन जब रोशनी आई तो क्या हुआ, उनकी आंखें बंद कर दी गई, उनकी आंखें अल्लाह ताला ने सल्ब कर ली। तो हम ये समझे कि हमें ये मिल जाएगा तो हम कर लेंगे और हम ये हासिल करके फिर जो है करने वाले बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज इस बात की गारंटी नहीं दे सकती सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। अगर अल्लाह चाहेगा तो वो जो है काम हो सके, सूरज लाख चमके, लेकिन अगर मेरे अंदर देखने की सलाहियत नहीं है तो मेरे लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नूर हिदायत तो है, अल्लाह ताला मुझे वो बिनाई दे, अल्लाह ताला मुझे वो बसीरत दे कि मेरी दिल की आंखें खुली हो कि मैं इस रोशनी से फायदा उठा सकूं। फिर दूसरी तरफ उस ग्रुप का जिक्र किया कि जिस जो तजब्जुब का शिकार होता है, जब जरा कोई कड़ाका होता है तो जो डर जाता है, जब थोड़ी सी रोशनी आती है तो चलने लगता है। तो तजब्जुब का शिकार भी जो है दीन में अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह ताला किसको पसंद करते हैं, ऐसे किरदार को जिसके अंदर तजब्जुब नहीं हो। अब ये भी जो मजबूती है किरदार की, कहाँ से आएगी, जब हमारे अंदर क्लैरिटी होगी, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेंगे इस मजबूती के लिए, है ना। ये सीरत और किरदार की मजबूती है, इरादे की मजबूती, ये है ना। एक बार जो चीज हमें समझ में आए तो हम उस पर उसको इख्तियार करने वाले रहें और उस पर कायम रहें। लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुम से पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत में हो सकती है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क वहम पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबल ना ठहराओ। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फिर कहा कि मेरे अब्द बन जाओ, ये तौहीद की दावत है। तो ये जो सारे हम चीजें अपने आसपास देख रहे हैं, वो सारी नेमतें जिनसे हम बेहरा मंद होते हैं, वो दरअसल किस बात की
परेशान नहीं कर रही है, ये एक ही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसकी कार फरमाई है। ऐसा नहीं है कि बारिश का देवता कोई और है और पानी का देवता कोई और है और आग का देवता कोई और है। अल्लाह ताला तक कि अल्लाह ने सब उनको सौंप दिया और अल्लाह आराम से जाकर बैठ गया। नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती। अल्लाह ने उसे बनाया भी है और वही उसे चला रहा है। तो अपनी सारी जरूरतों के लिए हमें किसकी जानिब पलटना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब। और अगर तुम्हें इस अम्र में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसकी मानिंद एक सूरत ही बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी कर भी नहीं सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, और जो मुहैया की गई है मुनकरी ने हक के लिए। अब ये है ईमान पर रिसालत, राइट। और जो कुरान करीम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उसके ताल्लुक से एक चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से है, ठीक है, भी ऐसी किताब बना लो। और आज तक ये चैलेंज कोई नहीं जो है पूरा कर सका। और ऐ पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त करे, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले ही दुनिया में हमको दिए जाते थे। वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीक कर किसी चीज की तंसीलें दे दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो उन्हीं तंसीलों को देख कर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं है वो उन्हें सुन कर कहने लगते हैं कि ऐसी तंसीलों से अल्लाह को क्या करेगा। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है। और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक है। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक टर्म यूज किया है, फिस्क, फासिक, जिसे हम कहते हैं ना। फिस्क क्या होता है? फिस्क होता है अल्लाह ताला की फिस्क का मतलब होता है एग्जिट कर जाना, निकल जाना। किस चीज से निकलना? अल्लाह की इताअत से निकलकर नाफरमानी में आ जाना। ओके, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी करना, दरअसल फिस्क की स्पिरिट है। तो फासिक कौन है? जिसने अल्लाह ताला की इताअत ना की, उसके हुक्म की इताअत ना की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इसको भी जो है फासिक एक टर्म है हमारे कुरान करीम की, है ना, कि जो लोग फिस्क करते हैं। और उनके लिए उनके ताल्लुक से बहुत सारी चीजें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है। अब उनकी कुछ अलामात है जो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान तल्ख करेगा। आई थिंक ये है ना, अल्लाह के एक से मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और सात आसमान इस्तेवाल किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। हाँ, अब यहाँ पर आने, यहाँ से एक नया मजमून जो है उसका आगाज होने जा रहा है कुरान करीम में, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पैदाइश है इंसान की, जो तख्लीक और उसका जो बिगिनिंग है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और इसमें हमारे लिए बहुत अहम जो है
सबक पोशीदा है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया है कि शुरुआत से ही जब अल्लाह ताला ने आदम को इस दुनिया में पैदा करने का प्लान बनाया, उस वक्त से ही जो है इस पर कुछ सवालात उठे। फिर अल्लाह ताला ने एक खलीफा की हैसियत से इंसान को इस दुनिया में भेजा। अब खलीफा का जो टर्म अल्लाह ताला ने यूज फरमाया है इंसान के लिए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंसान पर जो है आयद करता है। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से ये बात हमारे लिए वाज़ह की है कि इस दुनिया में रहने की क्या रविश हमें अपनानी होगी। अगर हमने वो रविश ना अपनाए तो किस तरह से हम नुकसान से दो चार हो। अच्छा पीछे से विजिबल नहीं हो रहे, हम लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर जरा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज किया, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसके इंतजाम को बिगाड़ देगा और खोरेजियां करेगा? आपकी हम्द सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। हाँ। अब यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खलीफा, खलीफा क्या होता है? किसी का नायब, उसे खलीफा कहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को क्या कहा? ये मेरा खलीफा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नायब बनाकर अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में भेजा। बहुत सारी और भी मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है, पैदा किया है, सिर्फ इंसान ही नहीं है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा शर्फ दिया। अब जब फरिश्तों ने ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि अगर किसी को इस तरह से इतने अख्तियारात देकर और इतने पावर देकर भेजा जाए तो वो तो खुरेजियां ही करेगा, वो तो फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ताला, हम तो तेरी तस्बीह के लिए थे, हम तो तेरे आगे तेरी इबादत करने के लिए थे, फिर आप क्यों एक ऐसी मखलूक को बना रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या जवाब दिया कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो देखिए, अब हम हर चीज तो नहीं जानते ना, मुमकिन है सारी इंसानियत अगर सारा इल्म भी इंसान हासिल कर ले तो वो इल्म क्या है? हमें ये बताया गया है कि इल्म के तीन हिस्से है ना। इल्म का एक वो हिस्सा जो मैं जानती हूँ, इल्म का दूसरा हिस्सा वो है जो मैं जानती हूँ जो मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं जानती आसमान में कितने सितारे हैं, मैं ये जानती हूँ कि मैं नहीं जानती कि कितना लीटर पानी पूरे समंदर में है ना। मैं एक तो दूसरा इल्म वो है, और तीसरा इल्म के इल्म का इल्म की किस्म वो है जो मैं नहीं जानती कि मैं नहीं जानती। तो हम जो जानते हैं, जो मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ, हाँ मैं जानती हूँ कि 2 × 2 = 4 होता है, ये तो मेरे दस्तरस में है। तो ये सारा इल्म सारी इंसानियत का भी मिलाकर कितना है? बहुत थोड़ा सी है। और जो हम जानते हैं कि जो हम नहीं जानते वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। हम अभी भी नहीं जानते, यू नो, क्या किसी और प्लैनेट में लाइफ है? ये कोरोना वायरस, ये कोविड, ये कैसे इस पर काबू पाएंगे, राइट? तो बहुत सारी चीजें जो हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। हाँ, और एक उससे भी बड़ी चीज कौन सी है जो हम जानते ही नहीं है कि हम नहीं जानते, हमें ये मालूम भी नहीं है कि हम उसको नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के से कहा कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तो तुमको कैसे समझ में आएगा अगर मैं समझाऊंगी? तो गर्ज ये कि हर बात जब समझ में आएगी तब करेंगे, ये हमारे दीन का मिजाज नहीं है। तो पहले मुझे प्रूफ कर दो मेरे एहसासात के साथ कि मैं उसको देख लूं, मैं टच कर लूं, मैं उसको सूंघ लूं और चख लूं,
तो ही मैं उसे मानूंगी। नहीं, हमारे वहां मानना ऐसे नहीं है। हमारे लिए मानना ईमान बिल गैब के साथ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनिया में जिन्हें आप महसूसात के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इनकार कर दिया जाएगा। तो हमारी रिवायत, हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो दीन है, वो हमें ये सिखाता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम जानते ही नहीं हो, और उससे भी बड़ी जो तुम जानते ही नहीं होगे, तुम नहीं जानते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तुम्हें कोई बात बता रहा है तो अल्लाह के रसूल के जरिए से, तो वो क्या है, वो हमारे लिए आमन्ना व सद्दकना है कि हम इसे मानते हैं और हम इसे सच जानते हैं, राइट। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तपर्रुम से इंतजाम बिगड़ जाएगा तो जरा उन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज किया, लुक से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इन चीजों के नाम बताओ। जब उसने उनको नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और जमीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मखफी हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए। और हम जो एक आइडिया ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में पढ़कर आए हैं, उसमें तो हमें बताया कि इंसान पहले बहुत ही कैसा था, उसको तो कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं था। फिर उसने सीखा कपड़े पहनना, फिर उसने चीजों को इस्तेमाल करने सीखा, फिर वो स्टोन एज में आया, फिर वो ब्रॉन्ज एज में आया, और फिर इस तरह से इंसान का इर्तका हुआ, उसकी तरक्की हुई। तो ऐसा नहीं था कि इंसान जब आया इस दुनिया में तो उसे कुछ भी नहीं मालूम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें बता रहे हैं कि ये सारी चीजें वायर कर दी गई हैं, ये सब कुछ मुझे पहले से बताकर जो है भेजा गया था। जिस तरह कंप्यूटर को प्रोग्राम करके भेजते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है, उसको मालूम होता है क्या करना है। तो सारी चीजें प्रोग्राम डेफिनेटली हम कंप्यूटर की तरह नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें एक मुसलमान के जरिए से बता दी गई थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ये भी फरमाया है कि जब हम आलम अरवा में थे तो अल्लाह ताला ने हमसे क्या अहद लिया कि कौन है तुम्हारा रब, तो हमने कहा अल्लाह आप हैं। तो अल्लाह को जानना हमारी तखलीक में शामिल है। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में आके अल्लाह को डिस्कवर करते हैं और अल्लाह ताला को पहचानते हैं। अल्लाह को जानना ये हमारे अंदर है, हमें किसी वायरिंग के साथ इस दुनिया में भेजा, इफ आई कैन यूज द वर्ड वायरिंग, हमें ये सिखा कर भेजा गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सिखा कर भेजे गए हैं, जिसका शऊर हमें दिया गया है। अब अल्लाह ताला ने जो यहाँ फरमाया कि आदम से आदम को नाम सिखाए गए, तो वो क्या थे, क्या वो चीजों के नाम थे, क्या वो लोगों के नाम थे, तो इसकी एक पूरी लंबी बहस है जिसका अभी वक्त नहीं है। लेकिन एक बात जो हमें समझने की है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला ने कुछ चीजें अता की हुई हैं। इंसान ने पहले दिन ऐसा नहीं था कि वो नऊज़ु बिल्लाह बरहना था फिर उसने कपड़े पहनना सीखा। वो शऊर, वो हया, वो कुछ इल्म अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में देकर ही भेजा था। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इबलीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई की घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। अब देखिए, एक अहम वाकया पेश आ रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने ही अल्लाह ताला सबको हुक्म दे रहे हैं कि इसको सजदा करो, इसके आगे झुक जाओ, इसकी ताजीम करो। तो सबने माना सिवाय इबलीस के, और उसने क्यों नहीं माना? उसका कहना था कि अल्लाह ताला आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इससे बड़ी चीज हूँ। वो अल्लाह को समझा रहा है कि आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। हमारा भी यही रवैया होता है, हमारे अपने अपने एटीट्यूड से कह रहेगी क्या अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला समझ नहीं रहे, नऊज़ बिल्ला। उसका एटीट्यूड यही था ना, एक तो वो अपने आप को बड़ा समझ रहा था कि मैं कैसे झुकूं, अल्लाह ताला आप कोई और बात बोलते तो मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ, मैं तो हर वक्त आपके सामने सजदे में रहता हूँ, लेकिन आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो नऊज़ बिल्ला, ये जो एटीट्यूड है इस्तिकबार का, ये जो एटीट्यूड है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा जानता हूँ,
ये क्या करता है इंसान को, शैतान की सफ में खड़ा कर देता है। अल्लाह ताला हमें बचाए इससे। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बफरावत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख न करना वरना जालिमों में शुमार होंगे। आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस दरख्त की तरबीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना है और वही गुजर बसर करना है। अब देखिए अल्लाह ताला की ये स्कीम ही थी कि अल्लाह ताला आदम को दुनिया में भेजना चाह रहे थे, आदम और हव्वा, उनकी बीवी का भी जिक्र अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें पहले से ये स्कीम समझाने के लिए उसका एक जायका जो है जन्नत में ही करवा दिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि ये आपने नहीं करना है। अब इंसान की सरश्त में दाखिल है, हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, जो काम से मना करेंगे वो पहले करेंगे जाते, है ना। तो कुछ ये इंसान की सरश्त में दाखिल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को भी यही कहा कि इस पर्टिकुलर चीज से रुक जाना, बाकी सब चीज जो है तुम्हारे लिए हलाल। दीन का भी यही आलम है ना कि गिनती की कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी, बाकी सब कुछ हलाल है। हमारा दीन हमसे क्या मुतालबा करता है, इन हराम चीजों से बचो, बाकी तो सारी नेमतें अल्लाह ने उतारी ही तुम्हारे लिए, लेकिन फिर हम उन्हीं हराम चीजों की तरफ जो है वो पलटना चाहते हैं। तो क्या होता है, यही अंजाम कि फिर जो है हम शैतान के धोखे में आ जाते हैं। तो शैतान ने एक खैरखा की हैसियत से जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया, भटका दिया। तो गुमराही जो है वो बहुत सारी मर्तबा खैरखाही की शक्ल में आती है, सामने वाला हमारा खैरखा बनकर आता है कि देखिए मैं तो आपके लिए अच्छा ही चाह रहा हूँ, मैं तो आपके लिए भलाई चाह रहा हूँ, मैं तो आपको भला करना चाहता हूँ, आपका फायदा करना चाहता हूँ। हम तो चाहते हैं कि मुसलमान औरत प्रोग्रेस करे, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका हिजाब उतार दें। तो बड़े खैरखा बनकर आ रहे हैं ना वो हमारे, हमारी खैरखाही के साथ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर खैरखा जो है वो वाकईतन आपकी खैरखाही चाह रहा हो, वो एक गुमराह करने का भी जो है एक तरीका जो है वो होता है। और दरअसल इस कहानी से और इस वाक्य से हमें यही पता चलता है। उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका न होगा, और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयात को झुठलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अब देखिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, आदम अलैहिस्सलाम से एक मिस्टेक हो गई, आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तौबा कर ली। अब इस्लाम हमें कहता है कि इंसान जो है कोई ओरिजिनल सिन के साथ दुनिया में नहीं आया है। ईसाइत में एक बहुत बड़ा अकीदा है कि आदम से जो गुनाह हुआ था उसके कुफारे के तौर पे ईसा मसीह की जो कुर्बानी है, जो उन्होंने जो क्रूसीफाई हो गए थे क्रॉस पे, उसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप ये तस्लीम कर लें कि जीसस क्राइस्ट ने अपना खून मेरे पश्चाताप के लिए बहाया तो फिर अल्लाह ताला जो है मुझे माफ कर देगा कयामत के दिन। लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि भाई आदम से गुनाह हुआ था लेकिन अल्लाह ताला ने उसे माफ फरमा दिया, क्यों, क्योंकि उसने तौबा कर ली। तो तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हुए, हर एक के लिए खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। और अल्लाह ताला ने एक सजा के तौर पर इंसान को दुनिया में नहीं भेजा है, अल्लाह ताला तो उसे दुनिया में भेजने ही वाले थे। इससे एक बहुत अहम बात हमें ये पता चलती है कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, जन्नत है हमारा परमानेंट एड्रेस, और वहां से हमें थोड़े वक्त के लिए कहाँ भेज दिया अल्लाह ताला ने, दुनिया में भेज दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दुनिया को अपना परमानेंट एड्रेस समझे हुए हैं। ये तो एक आरजी एड्रेस है ना जहाँ हम हैं, हमें दोबारा कहाँ जाना है, हमें जन्नत में जाना है। और अब उस जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो हिदायत में भेजूंगा उसको मानोगे
तो फिर जो है तुम इस जन्नत में दोबारा आ सको, वरना फिर इस जन्नत में दाखला मुमकिन नहीं है। तो हमारा परमानेंट रेसिडेंस क्या है, हम जन्नत में रहने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें जन्नत ही के लिए बनाया है, अल्लाह ने जन्नत ही हमारे लिए बनाई है। लेकिन अब उस जन्नत को क्या करना पड़ेगा, उसका हकदार, और उसका हकदार कौन बनेगा, जो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत, उसके नबियों की तालीमात को जो है कबूल करेगा और उस पर अमल करेगा इंशाल्लाह। ऐ बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी, मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूँगा, और मुझी से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ, ये उस किताब की ताईद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर न बन जाओ, थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को न बेच डालो और मेरे गजब से बचो, बातें का रंग चढ़ा कर हक को मुश्तबा न बनाओ, और न जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बनी इसराइल को खताब किया है। देखिए यहूदी जो बनी इसराइल थे, उनका आलम ये था कि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक आखिरी नबी के इंतजार में थे। अगर जब भी उनका किसी से झगड़ा होता तो कहते रुको अभी हमारा आखिरी नबी आएगा ना, तो हमें सब पे फतेह हासिल हो जाएगी, वो हमारे सारे दुख दर्द जो है वो दूर कर देगा, और वो तुम सबको जो है शिकस्त दे के हलाक कर देगा, और हम जो है फतेह याब हो जाएंगे, आने दो आखिरी नबी। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेकिन आपसे सल्लम बनी इस्माइल में आए, तो उन्होंने आपसे सल्लम का इनकार किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इन सारी बातों को अल्लाह उनके सामने दोहरा रहा है। अब इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हम इन जो आमाल हैं या जो रविश हैं इसको ना अपनाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को बेच ना डालो, तो बड़ी कीमत पर बेच सकते हैं नहीं, अल्लाह ताला की कोई भी कीमत दी जाए क्या वो अल्लाह ताला की आयात के सामने कुछ हैसियत रखेगी? तो दुनिया की माल गनीमत के लिए, दुनिया के फायदे के लिए अल्लाह ताला की आयात का खिलवाड़ जो है हमें नहीं करना है, और ना ही बातिल पर जो है हक का रंग चढ़ाओ, ना हक पर बातिल का रंग चढ़ा के उसे मुश्तबा बनाओ। तो ये वो सारे काम है जो हमसे पहले उन लोगों ने किया जो उस जगह मामूर थे जहाँ आज हम हैं। अल्लाह ताला ने अब ये किताब किसे भेज की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से किसको इसका हामिल बनाया, आपसे सल्लम के उम्मतियों को, आपसे सल्लम पर ईमान लाने वालों को। तो अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहा है कि देखो तुम इस रविश से बचते रहो। गुनाह जो है, नाफरमानी जो है, या गुनाह जो है वो इंसान कर बैठता है अपने कमजोरी की वजह से, अपने अपने किरदार की कमजोरी की वजह से, अपने अखलाक की कमजोरी की वजह से, अपने ईमान की कमजोरी की वजह से, और वो होगा जब तक हम जिंदा हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन किस चीज से हमें मना किया गया है, वो ये कि हम तौबा करने से ना रुके। चाहे कितनी बार हम स्टम्बल हों, चाहे कितनी बार हम गिरें, हम परफेक्ट, हम फरिश्ते नहीं, हम इंसान हैं, है ना। लेकिन जिस बात से मना किया गया है वो ये कि अपने गुनाह पर इसरार करना, ये करना कि नहीं ये तो है, तो दीन में ही है, नहीं नहीं सूद हम खा सकते हैं, ये जायज है। तो अपने फायदे के लिए अल्लाह ताला की किताब को बदलने की कोशिश हम ना करें। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल भी काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिर उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ पलट कर जाना है। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से नमाज की जो है वो तारीफ की, आमीन, उसकी अहमियत को अल्लाह ताला गिनवा रहे हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नमाज एक बड़ी मुश्किल चीज है। अब हमें अपने आप को टटोलना है कि हम कैसी नमाजें पढ़ते हैं। एक तो ये है पहले पूरी नमाजें पढ़ रहे हैं कि नहीं,
कि फजर में बहुत नींद आ रही है तो नहीं चलिए बाद में उठ के पढ़ लेंगे, और इशा में जो है या शॉपिंग करने निकल गए तो नमाजें कजा हो रही है, हमारा खुद का रवैया कैसे? पहले तो अपनी नमाजों को चेक करें। अब माशाल्लाह नमाज तो 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, तो अब ये देखें कि हमारा रवैया क्या है नमाज के साथ। एक ऐसा जबर के भाई एक फर्ज है अदा हो जाए, ये एटीट्यूड है, या हमारे अंदर भी वो शौक, वो वलवला और वो जोश है, हम भी उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कब नमाज का वक्त हो और जो है मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने का मौका मिले, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करने का जो है वो मौका नसीब हो। नमाज क्या है? ये फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह ताला से बात करो तो नमाज पे खड़े हो जाओ। तो ये नमाज क्या है? ये अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन का एक जरिया है, अल्लाह ताला से कॉरेस्पॉन्ड करने का एक जरिया है। तो क्या हमारी नमाजें ऐसी हैं? क्या हमें ये एहसास होता है जब हम नमाज पे खड़े होते हैं, हमें अल्लाह ताला याद रहते हैं, हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, हमारे दिल में वो बहार, अल्लाह ताला जहाँ आते हैं वहां तो बहार आ जाती है, वो चीज जगमगा उठती है, खिल उठती है। तो क्या हमारे दिल ऐसे रोशन होते हैं, हमारा दिल ऐसे खिलता है कि हमें लगता है कि चलो अभी फर्ज पढ़ना है, अच्छा अभी इतना पढ़ूं, फिर अभी पढ़ूं, फिर बाद में पढ़ूं, और किसी तरह पढ़ भी लेते हैं तो वो जो एक बशाशत, वो जो एक ताजगी का एहसास होना चाहिए, क्या वो होता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो जैसे कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो कि ये एहसान है। अगर तुम उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते तो कम से कम ये याद रखो कि वो तो तुम्हें देख रहा है। तो क्या हमारी ये कैफियत होती है नमाज पढ़ने के वक्त? अगर ऐसी नहीं होती हमारी कैफियतें तो हमें अपनी नमाज पे मेहनत करने की जरूरत है, हमें बार बार अपने दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से मामूर करने की जरूरत है कि जहाँ कहीं हमारा जहन भटका हम दोबारा अपने दिमाग को, अपने दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब लेकर आए, हमें ध्यान आए अल्लाह ताला का, हमें याद रहे अल्लाह ताला, हम बार बार जो है इसके लिए जद्दोजहद और मेहनत करें। और जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी हम इस बात का शौक और अज्म अपने अंदर करेंगे, उतना ज्यादा हमारा दिल हमारी नमाजों में लगेगा। वरना नमाज क्या हो जाएगी? वरना नमाज एक बस एक फर्ज को पूरा करना है, बस किसी तरह पूरा करो, ये हमारा एटीट्यूड अल्लाह ताला ना करे के हो। हमें अपनी नमाज में वही सुरूर आए जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया था। इंशाल्लाह ऐ बनी इस्राइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी, और डरो उस दिन से जब कोई किसी से जरा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी, उन्होंने तुम्हें सब अजाब में मुब्तला कर रखा था, तुम्हारे लड़कों को जबह करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और उस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत गुजार दिया, फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को बर्बाद किया। याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज की करारदाद पर बुलाया, तो उसके पीछे तुम बचने का अपना माबूद बना बैठे, उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो कि ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और कुरान अता की ताकि तुम इसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा, तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक की हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो, इसी में तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है।
याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज यकीन ना करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से अलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते ना देख ले। उस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त साफे ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया। शायद के इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमने तुम पर अम्र का साया किया, मनोसलवा की गिजा तुम्हारे लिए फराहम की और तुमसे कहा कि जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं, उन्हें खाओ, मगर तुम्हारे असलाफ ने जो कुछ किया वो हम पर जुल्म न था बल्कि उन्होंने अपने आप पर ही जुल्म किया। फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदारेज होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेकुकारों को मजीद फजल करम से नवाजेंगे। मगर जो बात कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा ये फला चट्टान पर अपना ऐसा मारो, चुनांचे उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। याद करो जब तुमने कहा था कि ऐ मूसा हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन की पैदावार साग तरकारी खीरा ककड़ी गेहूं लहसुन प्याज दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा ने कहा क्या एक बेहतर चीज की बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहे हो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार नौबत यहां तक पहुंची कि जिल्लत वखौरी और पस्ती व बदहाली उन पर मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिर गए। ये नतीजा था इसका कि वो अल्लाह की आयात से कुफ्र करने लगे और पैगंबरों को ना कत्ल करने लगे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हुदूद शरा से निकल जाते थे। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों की जो पूरी पूरा जो उनका चट्टा खट्टा है उनका पूरा आमाल नामा जो यहाँ पर खोल दिया कि तुम इतनी बड़ी बड़े दावे कर रहे हो कि यू नो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हो, ये कहकर के आखिरी नबी तो बनी इसराइल में से आना चाहिए था, हम तो इसका इंतजार कर रहे थे, हम तो एक इतनी सुपीरियर रेस है, हम तो एक इतनी आला नस्ल है कि हमारे उसमें इतने नबी आए हैं तो आखिरी नबी भी हमारे अंदर आना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आमाल उनके जो बद आमालियां हैं उनकी लिस्ट गिना रहा है कि अगर तुमको इतना ही जोम है अपने आला नस्ल होने पर कि तुम उस नस्ल से हो जिसमें इतने सारे, आपको पता कितने अंबिया आए थे उनके यहाँ? 13 नबी जिनका नाम है कुरान करीम में, 13 नबी और भी थे जिनका नाम नहीं, कुरान ने हर नबी का नाम नहीं दिया ना, तो 13 अंबिया ऐसे हैं जो उनकी उनकी नस्ल में भेजे गए थे। तो उन्हें एक जोम था, उन्हें एक बहुत बड़ी यू नो अपने ऊपर एक घमंड। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम तो ऐसे हो कि तुमने अपने 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 रसूल की मौजूदगी में इतनी सारी गुमराहियां की, बार बार उन्हें सताया, बार बार उन्हें तंग किया, तो तुम ये क्या कहते हो कि हम अल्लाह के बहुत चहीते हैं? अल्लाह का चहीता कोई किसी नस्ल या किसी नसब की वजह से नहीं बनता है, अल्लाह का चहीता कोई कैसे बनता है? सिर्फ और सिर्फ इत्तबा करके अल्लाह के रसूलों की, अल्लाह के रसूलों की पैरवी के जरिए अल्लाह ताला के अहकामात को मानकर। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चाहे कोई कितनी ही आला नस्ल से हो, नबियों की नस्ल से हो, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला की अहकामात के खिलाफ वर्जी करेगा तो क्या होगा? जिल्लत और खारी उस पर क्या कर दी जाएगी? थोप दी जाएगी। तो ये अल्लाह ताला का अटल कानून है
जो ऐसे नहीं होता कि एक कौम के लिए अलग हो दूसरी कौम के लिए अलग हो, ये सब के लिए यकसा रहता है। उसमें अल्लाह ताला किसी के साथ भी जो है वो रियायत नहीं करते। अगर किसी नबी का बेटा गुमराह हो तो जस्ट बिकॉज वो नबी का बेटा है उसे जन्नत में नहीं भेजा जाएगा। जन्नत में जाने की शर्त क्या है? ईमान और अमल सॉलेह, बस यकीन जानो कि नबी अरबी को मानने वाले हो या यहूदी, ईसाई हो या साबी, जो भी अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसका अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस बात की नफी की है कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी सुपीरियर कौम से हो तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो है वो हासिल है। याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद दिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो अहकामात और हिदायत इसमें दर्ज हैं उन्हें याद रखना। इसी जरिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तक्वा की रविश पर चल सकोगी। मगर उसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए, इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धिक्कार फिटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर एक वाक्य का जिक्र कर रहे हैं जिसका मकसद ये है, ये बताना कि हम अल्लाह को मानते तो हैं लेकिन ऐसी बेदिली के साथ मानते हैं कि जो चीज हमारे दिल को नहीं भाती हम फिर उसको अवॉइड करने के लिए अलग अलग बहाने बाजियां करते हैं। तो अगर हमारा दीन के ताल्लुक से ये एटीट्यूड रहा कि हम बहाने बाजी करते हैं, हीले करते हैं, अलग अलग एक्सक्यूजेस निकाल कर अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उन्हें बंदर बना दिया जाता है। बंदर क्या होता है? बंदर जो है, कोई बंदर और इंसान दिखते तो बहुत एक जैसे हैं लेकिन क्या बंदर के अंदर वो बसीरत होती है? बंदर के अंदर वो सलाहियत होती है कि वो चीजों को सही तौर पर समझ सके? बंदर के अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती। वो क्या करता है? वो नकल करता है, नक्काली करता है। तो जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को मानने में हीले बहाने और एक्सक्यूजेस निकालेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? महज नक्काल, दूसरों की नक्काली करने वाले, दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले। हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूं। बोले अच्छा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें उस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बछिया बल्कि औसत उम्र की हो, लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करो। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा वो फरमाता है जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शोक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें उसके तायुन में इश्तबा हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोतती है ना पानी खींचती है, सही सालिम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे दबा किया वरना वो ऐसा करते मालूम न होते थे। अभी एक दूसरा रवैया बताया है कि जब तुम्हें अल्लाह का कोई हुक्म पता चल जाए
तो फिजूल के सवालात कर करके अपनी जिंदगियों को और मुश्किल मत बनाओ। यानी अल्लाह ताला ने ये इनका इनकी जहनियत बताई है कि ये सवालात क्यों कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वाकई उनको क्लैरिटी चाहिए थी, वो किसी तरह से अल्लाह ताला के हुक्म को अवॉइड करना चाहते थे, तो वो इस किस्म के सवालात करते, और जितने सवालात करते गए उतना टेस्ट उनके लिए क्या होता चला गया, मुश्किल होता चला गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक्य के जरिए से हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला के अहकामात को खुश दिली से मानने की आदत डालो, खुश दिली के साथ। खुश दिली के साथ कैसे मानेंगे, अगर दिल में कहीं पर ये होता है कि अरे क्या है, हाँ ये भी करो, ये भी करो, ऐसा भी करो, इतने अहकामात हैं, अगर ये कैफियत है तो ये जबर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, तबीयत में बेजारी आएगी, फिर जो है क्या होगा, इंसान उससे दूर से दूर हो। तो इसको इसको पलटने का क्या तरीका है कि अल्लाह ही से दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला तेरे अहकामात को पूरा करने के वक्त हमें एक ऐसी खुशगवारी, एक ऐसा जॉयस एक्सपीरियंस दे कि मुझे बार बार ये काम करने का दिल हो, कि मैं बार बार तेरे हुक्म की तामील करने वाली बनूं, मेरे दिल के अंदर यू नो ये शादाबी पैदा कर कि मेरा दिल हो कि मैं तेरे अहकामात को मानूं, और मुझे बुरा लगे तेरी नाफरमानी करने के लिए। तो ये मोहब्बत, ये जज्बा और इस बात की दुआ अल्लाह ही से मांगे, और हमेशा इस जहनियत के साथ जब करें। देखिए इंसान का जब जहन सेटिस्फाइड होता है, जब उसे इस चीज के बारे में पता होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका दिल भी टूटता है। अब हम रहे दीन से नाबलद, हम दीन को सीखने की कोशिश ना करें, हम इल्म हासिल करने की कोशिश ना करें, तो मुमकिन ही नहीं है कि हमारे अंदर ये सारे रवैये पैदा हों, है ना। हमें तो पहले जब हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर हुक्म मेरे लिए खैर है, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा दिल भी इसके लिए जो है वो ठुकेगा। तो मैं जितना इंशाअल्लाह ताला इल्म हासिल करूंगी उतना ज्यादा मेरे लिए दीन पे चलना आसान होगा, जब तक अल्लाह की रहनुमाई मेरे शामिल हाल रहे। तो हमारे करने के दो काम है, इल्म को हासिल करते रहना और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहना। यही वो दो रास्ते हैं जिसके जरिए से ये सिर्फ एक जबर के तौर पर हम नहीं करेंगे, चलो करना है इसलिए कर, खुशी के साथ, दिली आमादगी के साथ इस तरह से अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होंगे कि हमें हम बेसुकून रहेंगे जब तक कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को ना माने, जब तक यू नो हमें हमारे लिए गुनाह जो है वो पहाड़ की तरह होंगे, तो अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे इंशाल्लाह। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मक्तूल की लाश को उसके एक हिस्से से जर्ब लगाओ, देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी बढ़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के खौफ से लरस कर गिर भी पड़ता है, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। तो दिल कैसे सख्त होते हैं, दिल सख्त उस वक्त होते हैं, दो रवैये हैं जिनको हमें हर हिम्मत पर अवॉइड करना है। पहला रवैया ये कि जब भी अल्लाह ताला का कोई फर्ज हुक्म पता चले, फर्ज की बात कर रही हूँ मैं, फौरन उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करूँ, और जैसे ही कोई हराम बात पता चले, मैं हराम की बात कर रही हूँ, मैं मकरूह या इस किस्म में हराम की और फर्ज की बात कर रही हूँ, और तो हराम काम से बिल्कुल बच जाए। अगर ये एटीट्यूड हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है कि हम फर्ज भी सुन रहे हैं, हमें अल्लाह ताला की मुहर्रमात और हराम भी मालूम है, लेकिन हमारे अंदर वो उजलत पैदा नहीं होती, वो हमारे दिल की यू नो ये कैफियत नहीं होती कि मैं फर्ज को पूरी तरह से पूरा करने वाली और हराम से बचने वाली बनूं, तो फिर क्या होता है, फिर जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इस रविश पर आगे बढ़ते हैं कि हमारे दिल जो है वो सख्त होने लगते हैं,
उसके अंदर से वो गुदास, वो नरमी। एक नरम जमीन कैसी होती है? जब उस पर पानी पड़ता है तो क्या होता है, वो उसका रिजल्ट देती है ना, वो सरो सब्ज़ शादाब हो जाती है। लेकिन वो जो सख्त होती है उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई जो है फल नहीं आता। तो हमें जो है किस पे काम करना है, अपने दिल पर काम करना है। देखिए हमारे हमारे दीन में इसको इतनी अहमियत दी गई है, बार बार अल्लाह ताला इस बात को फरमाते हैं, अपने दिल का ख्याल करो, अपने दिल को बीमारियों से बचाओ, अपने दिल को मर्ज से पाक को साफ रखो। मैं तुम्हारे चेहरे नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे दिलों को देखूंगा। तो ये दिलों की जिंदगी, ये दिलों की हयात, ये दिलों की पुख्तगी, ये कितनी अहम है। और ये कैसे आती है? ये उसी वक्त आती है जब दिल के साथ अल्लाह ताला को याद करूंगी ना। कुरान भी पढ़ रही हूँ, नमाज भी पढ़ रही हूँ, लेकिन अल्लाह में याद ही नहीं आते। सब कुछ हो रहा है, रुकू हो रहा है, सजदा हो रहा है, कुरान की तिलावत भी हो रही है, चर्चा कुरान खत्म कर रहे हैं, लेकिन बस वो एक अमल हो रहा है, उसमें अल्लाह ताला की याद है ही नहीं। तो फिर कहाँ से अल्लाह दिलों में बसेगा? हमें तो अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद करना है, अल्लाह ताला की याद से मामूर करना है। तो जब अल्लाह ताला दिल में होंगे तो ऑटोमेटिकली दिल भी लगेगा, इसमें और मजा आएगी, इसमें और अच्छा लगेगा। और यही वजह है कि बार बार दिल को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है। ऐ मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्कु रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिश का उसमें तहरीफ की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से तकिए की बातचीत होती है तो कहते हैं कि बेवकूफ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। और क्या ये जानते नहीं है कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है। उनमें से एक दूसरा गिरोह उम्मीदों का है जो किताबों का तोहफे में रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा को नोचता लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर ले। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मौजिब हलाकत। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों की निशानदेही अल्लाह ताला कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा नापसंदीदा है, जिसका इर्तिकाब अक्सर वो लोग करते हैं जिनके पास इल्म होता है। जो इल्म वाले होते हैं उनसे अक्सर जो है ये गुनाह सरजद होते हैं। तो वो कौन से गुनाह है? वो गुनाह ये है कि जो जानते बूझते चीजों को छुपाते हैं, जो जानते बूझते अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी जो है वो करना, यानी समझ आ गई है लेकिन उसके बावजूद जो है उसे अमलन इख्तियार नहीं करना चाहते। जो अपने हाथों से कुछ लिखते हैं और कहते हैं ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, और उनके पास कोई जो है इल्म की बुनियाद नहीं है, उनके पास क्या है? अमानी है। अमानी किसको बोलते हैं? उनकी आरजुएं हैं, उनकी चाहते हैं, बस वो काम कर लिया जिससे उनका दिल किया। हमारे दीन में हम अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते कि मुझे अच्छा लग रहा है तो चलो मैं कर लेती हूँ, चलो किसी दिन जो है आज मेरे को अल्लाह ताला से मैं बहुत खुश हूँ तो आज मैं जोहर की जो है 8 रकत फर्ज पढ़ लूंगी, ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम नमाज ही तो पढ़ रहे हैं ना, कोई खराब काम कर रहे हैं क्या? नमाज ही पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ना, लेकिन कर सकते हैं ऐसा? नहीं, क्यों नहीं कर सकते कि आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आज मैं अल्लाह ताला से बहुत क्लोज फील कर रही हूँ तो मैं 4 फर्ज के बजाय 8 फर्ज पढ़ूंगी, सही होगा वो? नहीं। तो हमारे दीन में एक बहुत अहम कुल्लिया और कायदा ये है कि हमारा दीन सिर्फ और सिर्फ वो है जिसे हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया।
जो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से हमारे पास नहीं आती वो अच्छी बात हो सकती है लेकिन वो दीन नहीं हो सकती। दीन होने के लिए उसको क्या क्वालिफाई करना होगा कि वो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उनकी सनद हासिल हो। तो ये अमानी, ये ख्वाहिशें और ये आरजुएं जो है इंसान को कोई जो है वो फायदा नहीं पहुंचा सकती जहां तक उसकी निजात का ताल्लुक है। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज छूने वाली नहीं इल्ला ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए। इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसके खिलाफ कर्जी वो नहीं कर सकता? या बात ये है कि तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि उससे उनका जिम्मा लिया है, आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों न छुएगी? यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी उन अमानियों का जिक्र किया, उनकी ख्वाहिशों का जिसके लिए कोई सनद अल्लाह ने नहीं दी। और ये होता आया है कि अल्लाह ताला ने अगर जिस कौम में नबियों को भेजा, किताबें भेजी, तो एक लंबा अरसा गुजरने के बाद उन्होंने अपने आप को क्या करार दे दिया, एक हाई पेडिस्टल पे एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज अपने साथ अटैच कर लिया। तो यहूद क्या कहते थे कि भाई हम तो अल्लाह ताला के फेवरेट हैं, हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो सोचिए ना, हमारे पास एक नबी आया तो हमने कितने सारे मफरूजे कर लिए, राइट? हमें ये लगता है कि हमारे पास तो वीजा है जन्नत में, तो हम जाएंगे ही जाएंगे। कहाँ लिखा अल्लाह ताला ने ऐसा? अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि ईमान और अमल सोले के बगैर जन्नत में दाखिला नहीं मुमकिन है। तुम्हारा कोई भी, तुम किसी भी नस्ल से हो, अल्लाह के यहाँ क्या काम आता है? ईमान और अमल सोले। तो उनके यहाँ तो 13 नबी आए थे, तो सोचिए ना उनकी, अगर वो गुमराह होना चाहे तो उनके पास एक ज्यादा पावरफुल आर्ग्यूमेंट है हमारे आर्ग्यूमेंट से। और उन्होंने किया ये, उन्होंने कहा कि हम तो एक सुपीरियर नस्ल है। तो ये जो है एक मफरूजा है, अगर हम इस पर तकिया किए हुए बैठे हैं कि हम तो बख्श दिए जाएंगे या हम किसी की सिफारिश से चले जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार जो है इस बात से खबरदार किया है कि बख्शना और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, नो, और किसी के पास जो है वो किसी की नस्ल से नहीं हो सकता। आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों न छुएगी? जो भी गदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोज़खी है, और दोज़ख ही वो हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे और एक अमल करेंगे वही जन्नती है और जन्नत के लोग हमेशा रहेंगे। याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना, तुमने इसका फरार किया, तुम खुद इस पर गवाह हो, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदरों को कत्ल करते हो, अपने भाई बंदरों को कत्ल करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को बेखानमा कर देते हो, जुल्म ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थे बंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलीलों खार होकर रहे और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाए। अल्लाह उन हर बात से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो,
अब देखिए यहाँ पर चंद उन मोटी मोटी बातों का तस्करा किया गया है जो अल्लाह ताला के नजदीक हमेशा से मारूफ रही हैं और अमल सोलह में गिनी जाती हैं। उनमें सबसे पहली चीज है तौहीद, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना करना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे दीन का मुतालबा है। अगर हम अल्लाह को माने लेकिन उस तरह से ना माने जिस तरह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, तो वो ऐसा ही है कि जैसे हमने अल्लाह को ना माना। फिर अल्लाह को मानना और ना मानना बिल्कुल बराबर हो जाता है। उसके बाद क्या फरमाया, उसके बाद फरमाया कि नेक सुलूक, अगर तुम ईमान वाले हो तो इसका प्रूफ कहाँ झलकना चाहिए, तुम्हारे अमल में झलकना चाहिए, तुम्हारे अखलाक में झलकना चाहिए, तुम्हारी जबान जो है वो अच्छी होनी चाहिए, लोगों से अच्छी बात करो, अच्छा बोलो, सच बोलो, अच्छा बोलो। यानी ये जो हमारे माशरे में ये कुछ चीजें है ना कि भाई वो सिर्फ जबान की तेज है, उसका दिल बहुत साफ है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिसका दिल साफ है उसकी जबान भी साफ होनी चाहिए। दिल ही की गमाजी करता है जबान। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात दिल में नहीं है और वो जबान पर आए। जबान, हाथ, पैर तो किसकी पैरवी करते हैं, दिल की पैरवी करते हैं। तो हमारे ईमान का तकाजा ये है कि उसका उसकी झलक किस में दिखाई दे रही हो, हमारे आमाल में दिखाई दे रही हो, हमारे अखलाक में दिखाई दे रही हो, हमें उस पर। तो हुकूक अल्लाह एक है और हुकूकुल इबाद अल्लाह के नजदीक बहुत अहम चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार अपना हक तो हो सकता है किसी को माफ कर दे, लेकिन उसके बंदों का जो हक हम पर होता है अगर उसमें हमने कमी और ज्यादती की, किसी के साथ जो है बद, जिसे हम कहेंगे कि नो बुरा मामला किया, किसी को किसी के साथ ज्यादती की, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी के साथ जो है कोई खराब मामला किया, तो फिर उसकी जो है पकड़ बहुत ज्यादा सख्त होगी हमारे दीन में। तो हमारे यहाँ दीनदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं अल्लाह 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 जो है मुसल्ले पे बैठ के करती रहूं, बल्कि हमारे वहाँ दीनदारी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितना मेरा ताल्लुक मजबूत होगा, अल्लाह के बंदों से जो है मेरा ताल्लुक उतना ही खरा और साफ रहेगा, उसमें कोई कमी और ज्यादती नहीं होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, हम जब इस मकसद के साथ कुरान करीम की जानिब पलटते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलाम को समझना चाहते हैं, इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आमाल को, अपने ताल्लुकात को टटोलना होगा कि मेरा रवैया मेरे वालदैन के साथ कैसा है, मेरा रवैया मेरे शौहर के साथ कैसा है, मेरा रवैया मेरे घर वालों के साथ कैसा है, अकरबीन के साथ कैसा है। मैं सारी दुनिया के साथ तो बहुत खुशखल्क हो सकती हूँ, है ना, एक सेल्समैन जैसी खुशखल्की अपनाना तो बहुत आसान है ना। सेल्समैन भी सबके साथ बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करता है, चाहे उसके दिल में लग रहा हो कि नहायत ही बेवकूफ इंसान है, लेकिन वो कभी उसको नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वही उसकी सेल्समैनशिप है। तो वो मस्नूई अच्छाई इख्तियार करना तो बहुत आसान है। क्या हमारे दीन में वो मतलूब है? नहीं, हमारे दीन में तो क्या मतलूब है? दूसरों के लिए खैर खाही का जज्बा होना। हमारे दीन में तो ये मतलूब है कि दूसरे के लिए अपने से अच्छा सो, अगर कम से कम उतना नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। अपने जो तुम अपने लिए अच्छा समझते हो, दूसरों के लिए भी वही अच्छा समझो। दूसरों के लिए बुरा तो हम सोच ही नहीं सकते, ये हमारे दीन के बिल्कुल मनाफी है। तो हमारे दीन में जहाँ हुकूक अल्लाह पर जोर है, वहीं पर हुकूक इबाद पर भी जो है बेइंतहा ताकीद की गई है। तो जब हम अपनी नमाजों को, अपनी इबादतों को दुरुस्त करें, तो वहीं पर हम अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। जो जितना ज्यादा हमारे से ताल्लुक में करीब है, उसका उतना ज्यादा हम पर हक है, ठीक है। और उसी के मुताबिक अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि हमारा ताल्लुक, हमारे जो हमारे नस्बी रिश्तेदार हैं, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, खून के रिश्तेदार हैं, उनके साथ तो हम बहुत बेरुखी और बेदिली के साथ जो है अपनाए हुए हैं, और दूसरों के साथ हमारा रवैया बहुत अच्छा है, तो हमें अल्लाह को जवाब देना होगा। तो जितना ज्यादा हमारे से रिश्ते में करीब है, उसका उतना ज्यादा हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम्हारे पड़ोसी का तुम पे बहुत हक है, अगर वो तुम्हारा रिश्तेदार हो
तो डबल हक है, राइट। तो गर्ज ये कि हर रिश्ता की अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अहमियत है, तो हमारी नेकी का इजहार कहाँ होगा, हमारे ताल्लुकात में, हमारे हम किस तरह दूसरों को ट्रीट करते हैं, हमारे मुलाजमीन के साथ हमारा रवैया कैसा है, हमारे बच्चों के साथ हमारा रवैया कैसा है, हमारे माशरे में जो कमजोर लोग हैं उनके साथ हम कैसे पेश आते हैं। ये सब कुछ दरअसल जाहिर करता है हमारे ईमान को। तो अल्लाह ताला ने इन सब का जिक्र किया और फिर बनी इसराइल को कहा कि तुम तो कहते हो कि अपने भाइयों से जंग नहीं करना, लेकिन तुम अपने मफाद के लिए उनसे जंग करते हो, फिर जब वो बेघर हो जाते हैं तो उनकी दादरसी करने के लिए जकात और चंदा जमा करते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो, अल्लाह ताला को डबल स्टैंडर्ड्स, नाइंसाफी बहुत ही ज्यादा नापसंद है। जो लोग अल्लाह के दीन के एक हिस्से को माने और एक हिस्से को ना माने, वो दुनिया में भी जलीलो खार होंगे और कयामत के दिन भी जो है उनके दीनदारी की कोई अहमियत नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हमें पूरा के पूरा दीन में जो है वो दाखिल कर दे। अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, लिहाजा उनकी सजा में कोई तकलीफ होगी और ना उन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी। हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद पैदर्पे रसूल भेजे, आखिरकार ईसा उनके मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और उन्हें पाक से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या धर्म है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी भी की, किसी को झुठलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज है, नहीं, असल बात ये है कि उनके कुफ्र की वजह से उन पर अल्लाह की फिटकार करी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो उनका कॉल है ना, कुलूबुना गुल्फ, तो उनसे जब कहा जाता है कि नेक अमल करो तो वो बहुत आसानी से, अरे भाई अल्लाह की तौफीक होगी तो करेंगे, अल्लाह जब हिदायत देगा तो करेंगे, एज इफ उनके कलूब पर जो है गिलाफ चढ़ा हुआ है, जब अल्लाह वो हटाएगा तभी हम नेक काम करेंगे। तो ये अल्लाह किसको देता है हिदायत, जो हिदायत हासिल करना चाहे, जो अपनी तरफ से हिदायत का मुतमन्नी नहीं है अल्लाह की हिदायत भी जो है उसे नसीब नहीं होती। तो पहला कदम कहाँ से उठना चाहिए, मेरी जानिब से, तो ही अल्लाह ताला की भी तौफीक शामिल हाल होती है। अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका बर्ताव क्या है, बावजूद ये कि वो इस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि इसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत उन मुनकरीन पर, कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गजब वालाए गजब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त जिल्लत आमेज सजा मुकर्रर है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है, इस दायरे के बाहर जो कुछ भी आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उस तालीम की तस्दीक और तारीफ कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा उनसे कहो, अगर तुम उस तालीम की पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसकी पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा उस मीसाक को याद करो
जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठा कर हमने तुमसे लिया था, हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे इस्लाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी बातों परस्ती का ये हाल था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो, अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो, अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर उन्होंने वहां भेजा है, इसका इक्तिजा यही है कि ये वहां जाने की तमन्ना ना करें। अल्लाह उन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। तुम उन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीफ पाओगे, हत्ता के ये उस मामले में मुशरिकों से भी बढ़े हुए हैं। इनमें से तो एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह हजार बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ आमाल ये कर रहे हैं, अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है। उनसे कहो कि जो कोई जिब्राइल से इदावत रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह ही के इज़्ज़त से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाज़िल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायीद करता है, और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बशारत बन कर आया है। अगर जिब्राइल से उनकी इदावत का सबब यही है तो कह दो कि अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल के दुश्मन है। अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयात नाजिल की है जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली है, और उनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक है। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक ना एक गिरोह ने उसे जरूर ही बालाए ताक रख दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ऐसे ही है जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक और तायीद करता हुआ आया जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक गिरोह ने किताबुल्लाह को इस तरह पसंद डाला गोया के वो कुछ जानते ही नहीं, और लगे उन चीजों की पैरवी करते जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज के जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बा कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश है, तू उसमें मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दे। जाहिर था कि इसने इलाही के बगैर वो इस जरिए से किसी को भी जरर ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज सीखते थे जो खुद उनके लिए नफा बख्श नहीं थी बल्कि नुकसान दे थी, और उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। उतनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता अगर वो ईमान और तक्वा की राह इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज्यादा बेहतर था। काश उन्हें खबर होती। अब देखिए यहाँ पर जादू और सहर का जिक्र किया गया है, तो
जो कौमें अल्लाह की किताब से दूर हो जाया करती हैं वो कहाँ जाके एंड अप होती हैं, वो इन सारी चीजों में पड़ जाती हैं, सहर में, जादूगिरी में, क्योंकि फिर जो उनका मिजाज बदल जाया करता है। तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करके बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी जादू नहीं किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इन लोगों ने जो जादू को अटैच किया उसकी उससे जो है बरी जिम्मा किया। और फिर बताया जादू को किस लिए इस्तेमाल करते थे, नेक बनने के लिए, सोले बनने के लिए, तकवा वाला बनने के लिए नहीं, वही इश्क और माशूकी और एक ही बीवी को अपनी बीवी बना लेना, यानी घटिया तरीन कामों के लिए। तो अल्लाह ताला ने पहले फरमाया अगर तुम अल्लाह की किताब से दूर जाओगे तो इन सारे चक्करों में पड़ोगे, और इन सारे चक्करों में पड़ोगे तो किस में पड़ोगे, अपनी अखलाकी गिरावट का सम्मान करोगे। देखिए आज हमने तुमके 10 मिनट देर से शुरू किया था तो 10 मिनट बाद ही खत्म कर लेंगे जल्दी, ठीक है। लोगों जो ईमान लाए हो राविना न कहो बल्कि उज़्ज़ुर न कहो और तवज्जो से बात को सुनो, ये काफिर तो अज़ाबे अलीम के मुस्तहिक हैं, ये लोग जिन्होंने दावत में हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, तो अहले किताब में से हो या मुशरिक हो, हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फज़्ल फरमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मंसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम अज कम वैसी ही, क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगीरी करने वाला और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबात करना चाहते हो जैसे उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं, हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से बदल लिया वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ्र की तरफ पलटा ले जाएं, अगर ये हक उन पर जाहिर हो सकता है मगर अपने नफ्स की हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ये ख्वाहिश है, इसके जवाब में तुम अफू और दरबदर के काम लो यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आकिबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे, जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है। उनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में न जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो, ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, दरअसल ना तुम्हारी कुछ खुसूसियत है ना किसी और की, अब ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं, और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं उनका फैसला अल्लाह कयामत के रोज कर देगा, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबूदों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो, ऐसे लोग इस काबिल हैं कि उन इबादतगाहों में कदम न रखें और अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं, उनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अज़ाब-ए-अज़ीम। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है, अल्लाह बड़ी वसअत और सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है,
अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत ये है कि जमीन और आसमानों की तमाम मौजूदात उसकी मलिक है, सब किस्म उसकी मतीय फरमान है, और आसमानों और जमीन का वो मुअज्जिज है, और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा और वो हो जाती है। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, क्या कोई निशान या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी क्या करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की जहनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमाया कर चुके हैं, इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म-ए-हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं उनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी न होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है, वो उस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो उसके साथ कुफर का रवैया इख्तियार करे वही असल में साथ उठाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी, और डरो उस दिन से जब कोई किसी से जरा काम ना आएगा, ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश किसी आदमी को फायदा देगी, और ना मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंचेगी। याद करो कि जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब पर पूरा उतर गया तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है। उसने जवाब दिया मेरा वादा जालिमों से मुतालिक नहीं है, और ये कि हमने उस घर काबे को लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत के लिए खड़े होते हैं उस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे उस घर को तवाफ और एतिकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो, और ये कि इब्राहिम ने दुआ की है मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। जवाब में उसने रब ने फरमाया और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे अजाब जहन्नम की तरफ घसीटूंगा और वो बदतरीन ठिकाना है। और याद करो इब्राहिम और इस्माइल जब उस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तू सब की सुनने और सब के जानने वाला है। ऐ हमारे रब हम दोनों को अपना मुस्लिम मुतीए फरमान बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, हमें अपनी इबादत के तरीके बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा माफ करने वाला और मेहनत फरमाने वाला है। और ऐ रब उन लोगों में खुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी जिंदगियां संवार दे, तू तो बड़ा मुक्तदिर और हकीम है। अब कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो, उसके सिवा ये हरकत कौन कर सकता है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखिरत में उसका शुमार सालिहीन में होगा। उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा तो उसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। उसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और इसी की वसीयत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर गया। उसने कहा था कि मेरे बच्चों अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा बच्चों मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे। सबने जवाब दिया हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है और हम उसी के मुस्लिम हैं। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे। ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं बल्कि सब को छोड़कर इब्राहिम का तरीका और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से ना थे। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी और जो मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो हिदायत पर है और अगर उससे मुंह फेरे तो खुली बात है कि वो हट धर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो उसके रंग से अच्छा और इसका रंग होगा। हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो हालांकि हाँ वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे आमाल हमारे लिए हैं तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए और हम अल्लाह ही की बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर क्या तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और या औलाद याकूब अलैहिस्सलाम सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे। कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारी हर बात से अल्लाह वाकिफ तो नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके आमाल के मुताबिक सवाल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें आखिर में फरमाया कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। और अल्लाह के रंग इख्तियार करने का क्या मतलब है? अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह का रंग कौन सा है? हरा है, लाल है, पीला है, कौन सा है? अल्लाह का रंग वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है वो हमारे ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाएं। ये है मकसद हमारी नमाजों का, हमारी इबादतों का, हमारे कुरान पढ़ने का। तो अल्लाह ताला मुझे और आप पर जो अल्लाह का रंग चढ़ जाए, अल्लाह ताला हमारी और हमारी जुर्रियत को सिरात मुस्तकीम पर चलाए, उस पर कायम रखे और अल्लाह ताला हमें आफियत अता करे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह व शुक्रन। आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त थी कि आज हम लोग लेट हो गए लेकिन इंशाल्लाह कल से वक्त की पाबंदी की जाएगी और कुछ अनाउंसमेंट थे आप लोगों के लिए कि फहमुल कुरान के इस प्रोग्राम में आप लोगों की अटेंडेंस भी ली जा रही है।
तो जिनकी अटेंडेंस 100% होगी इंशाल्लाह ताला, उनके लिए जो है